दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे को रिलीज होने में अभी भी लगभग 3 दिन बाकी है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने अभी से ओटीटी प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। जी हां, आपको बता दें, सलमान खान की फिल्म राधे 13 मई के दिन रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी कई रिकॉर्ड तोड़े। जैसे कि आप सभी को बताए, सलमान खान की फिल्म राधे को लगभग 50 कंट्री में थिएटर में रिलीज किया जाएगा, जिस वजह से अदर कंट्री के फैंस भी सलमान खान की फिल्म राधे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट के चलते इस फिल्म की काफी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई और फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। जी आपको बता दें, ज्यादातर फिल्म की एडवांस बुकिंग दुबई और अरब देशों में हुई, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है और माना जा रहा है अभी तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में सलमान खान की पिछली फिल्मों के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली की भी एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिस वजह से यह फिल्म सलमान खान के साथ साथ बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग पाने वाली फिल्म बन गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग से लगभग 91 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे अभी से एडवांस बुकिंग के मामले में कई फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रही, जिस वजह से माना जा रहा है यह फिल्म रिलीज होने के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। लेकिन अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा, आखिर यह फिल्म लाइफ टाइम 1,500 से 2,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर आखिर बाहुबली फिल्म के कलेक्शन को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सलमान खान की फिल्म राधे लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई करेगी और आप इस फिल्म को बॉलीवुड और इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहोगे या फ्लॉप? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताओ। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।